नहीं, वजह क्या होती जो आपके खानदान में ऐसा हादसा हुआ? क्या वो चाचा नहीं चाहना, चाचा बच्चे नहीं चाहना, मुझे था स्वांग भी नहीं था, बच्चा मेरे बच्चे नहीं चाहना, वो मुझे सब कुछ भी नहीं था। और तो मतलब उनको कोई बच्चा औलाद नहीं है? खुद इनकी तबीयत ऐसी बहुत जा रही, बस ये मेरी बहन का बच्चा था 3 साल का, वो 3 साल कंप्लीट हो रहे थे उसको, बस उसको दुश्मनी क्या थी, घर में एक ही बच्चा था ये, उसको औलाद नहीं भी थी, वो औरत को 1 साल हो गया था शादी होके, तो उसको तो औलाद नहीं भी थी, बस उसको यही था कि अब ये बच्चे को सब चाहते और मेरे को औलाद नहीं हो रही। हम ये वहमो गुमान में नहीं था, दूर दूर तक भी हम ये नहीं सोचे थे कि इन्हें बच्चे को कुछ करेंगे ऐसा। हाँ अलबत्ता हमारी बहन बोलते थे कभी हमारे देवर चॉकलेट वे दिलाए तो लड़ती ने 2-2 घंटे और हाथ यानी दरवाजे में उंगलियां डाल देते इनके, और थोड़े दिन पहले 15 दिन पहले अब हमको मालूम हुआ, ये बात नहीं मालूम थी हमारे को, कि उन्होंने पूरे इलेक्ट्रिक के वायरम भी खुले रख दिए थे बच्चों को शॉक लगना बल्कि, और उस वक्त तो 3 बच्चे थे इनके, ननन के 2 बच्चे और इनका 1 बच्चा, लेकिन इलावा देख लिए और उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था बच्चों को, फिर उसको भेज दिए थे वो बच्ची को, लेकिन फिर माफी मांगे कॉम्प्रोमाइज करके फिर ला के रख लिए। अभी सुबह में बच्चे को टॉयलेट धुला के मेरी बहन बाहर लेके गए और ये काम लेके गई और औरत ऊपर से फेंक दी बच्चे को, और वक्ते वाहद में यानी बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, बच्चे का ये केस हो गया। मेरी बहन तो कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है, उसको कड़ी से कड़ी सजा होना, और मेरे को अल्लाह की जात से उम्मीद है अल्लाह ताला तो उसको उसके जो जो लोग हैं उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खानदान वाले, उसकी माँ बहन जो भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं, बस सबको अल्लाह ताला तो सजा देगा। उसके साथ साथ मीडिया वालों से भी मेरी ये गुजारिश कर रही हूँ मैं कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होना, उसको हरगिज बेल नहीं मिलना। देखिए मेरी बहन को 1 बच्चा था, 1 बच्चा और 3 साल का बच्चा आज उसकी गोद उजड़ गई, क्या वो कुछ बोलने के काबिल रह सकती है? अब उसकी खुद अगर मेरी बहन को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेते इसकी, उसका बच्चा खत्म हो गया। तो ये मैं यही बोल रही हूँ कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होना और लोग इबरत हासिल, वो खुद कबूल लिए करने की वजह क्या हो सकती है? बस सिर्फ हसद दुश्मनी, और आजू बाजू के लोग भी गवाह है इस चीज के, लेकिन लोग डरे हुए हैं, हम लोगों के सामने तो बोल दिए, ऐसा लोग आके अच्छा बता रहे हैं कि ऐसा पकड़ के उल्टा लटका है, और लोग पुकार रहे थे बच्चा बच्चा बल्कि, और मेरी बहन के भी कान में ही आवाज आई, लेकिन उन्होंने यानी पॉटी जो कर लिए थे वो शलवार धो रहे थे तो उन्होंने उतना और नहीं करे, और ऐसे कान में सिर्फ आवाज आई उनके बच्चा बल्कि। तो बस यही है, हम नहीं सोचे उन्हें इतनी बड़ी दुश्मनी करेंगी, सिर्फ हसद की बुनियाद पे, कभी उसको कोई जाति झगड़ा नहीं था यहाँ, ना जायदाद का वो ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसको जाति हसद, मेरे को औलाद नहीं हुई और घर में ये वाहिद बच्चा है, इसको सब चाहते, बस ये हसद की बुनियाद पे। अब क्या है अल्लाह आलम, और कोई बोलने की जरूरत नहीं है, वो खुद कबूल ली कि मैं बच्चे को नीचे फेंक दी।